सब्सक्राइब ज्ञान थेरेपी, प्रेस बेल आइकन एंड डोंट मिस अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त राकेश। वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो बातें बताना चाहूंगा। एक तो ये दोस्तों, मुझे है जुखाम, तो आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी अजीब लगे, तो उसके लिए सॉरी। और दूसरी बात ये, अभी लेटेस्ट एक सर्वे निकला है, उसमें ये बताया गया कि यूट्यूब में सबसे ज़्यादा यूट्यूब से पैसा कौन कमाता है, तो जानते हैं उसमें किसका नाम है? जी हाँ, उसमें ना तो टी सीरीज का नाम है, ना ही प्यूडीपाई का। उसमें नाम आता है, एक बच्चा है जिसकी उम्र है 7 साल और उसका नाम है रेयान, रेयान टॉयज करके उसके चैनल का नाम है। वो बच्चा 1 साल का जो कमाई है 2018 की, उसकी 154 करोड़ रुपए है 1 साल की। तो सोच लीजिए, यहाँ पे उस बच्चे को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि 154 करोड़ रुपए दिखते कैसे हैं, क्या होता है, लेकिन उसकी जो कमाई है 154 करोड़ रुपए 1 साल की है। हम लोग बात करने वाले हैं बहुत जरूरी टॉपिक के बारे में, अपर्चर। आप लोग मोबाइल खरीदते हैं तो वहाँ पे मेगापिक्सल को देख के मोबाइल को खरीदते हैं। ज़्यादा मेगापिक्सल मतलब ज़्यादा अच्छा कैमरा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज की वीडियो में पूरी देखिएगा, मैं इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब भी एक हम नया मोबाइल खरीदते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं मेगापिक्सल काउंट। लेकिन मेगापिक्सल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ज़्यादा अच्छा कैमरा। आपने नोटिस किया होगा कि जो महंगे मोबाइल आते हैं, कॉस्टली मोबाइल हैं लगभग, चाहे वो नोट 9 हो या आईफोन का कोई मॉडल हो या कोई भी महंगा मोबाइल, तो वहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो उसमें कैमरा दिया होगा 12 मेगापिक्सल दिया होगा, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल, ज़्यादातर यही सब दिया होता है। क्यों? क्योंकि वो तो इतने महंगे मोबाइल हैं, वहाँ पे तो कम से कम 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया होना चाहिए था, लेकिन उनके जो कैमरे हैं 12 मेगापिक्सल पे ही बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो बजट वाले फ़ोन हैं, यहाँ पे 15,000, 20,000, 10,000 वाले फ़ोन, इसमें आपको नोटिस करने को मिलेगा कि 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे देंगे, 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा या फिर बैक कैमरा दे देंगे 20 मेगापिक्सल। तो यहाँ पे क्या मतलब होता है, क्योंकि ये कंपनियाँ जानती हैं कि हम लोग जब फ़ोन खरीदने जाते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, हम लोग सिर्फ मेगापिक्सल देखते हैं और रैम को देखते हैं। बात यहां रैम की नहीं करेंगे, आज हम यहां सिर्फ अपर्चर की बात करने वाले हैं। तो हम लोग सिर्फ मेगापिक्सल को देख के फोन को खरीद लेते हैं, सोचते हैं ज्यादा मेगापिक्सल मतलब ज्यादा अच्छा फोटोग्राफी होगी। तो अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। यहां पे आप जब भी नोटिस करते होंगे, किसी फोन की स्पेसिफिकेशन चेक करते होंगे, तो वहां पे लिखा रहता है इतने मेगापिक्सल का कैमरा है विद अपर्चर f/1.7, 1.9, 2.0, 2.4 या फिर इस तरीके से करके आपको दिखाई दे रहा होगा अलग अलग अपर्चर। इसे अपर्चर कहते हैं। अब अपर्चर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कैमरे में एक होल होता है जहां से लाइट अंदर जाती है, तो उसी होल को कहते हैं अपर्चर। अपर्चर मतलब एक तरह से कैमरे में जो होल होता है उसी को हम अपर्चर कहते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ की फ़ोटो को क्लिक करते हैं तो फोटो कैसे आती है, उस फोटो पे लाइट पड़ती है, वो लाइट कैमरे के अंदर एंटर करती है तो जाके उस फोटो को कैप्चर कर पाता है और वो फोटो समझ पाता है और फोटो बन पाती है। इसीलिए रात में ज़्यादा अच्छी फोटो नहीं आती, दिन में ज़्यादा अच्छी फोटो आती है, क्योंकि दिन में अच्छी लाइट कैमरे के अंदर जाती है। तो यही कारण है कि दिन में फोटोग्राफी अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अपर्चर मतलब ज़्यादा लाइट अंदर जाती होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कम अपर्चर मतलब ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, एक दूसरे से उल्टे हैं। आप समझिएगा चीज़ को, सिंपली समझ लीजिए कि अगर कम अपर्चर होगा तो ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, ज़्यादा अपर्चर होगा तो कम लाइट अंदर जाएगी। इसका मतलब अगर एक कैमरे में दिया हुआ है f/1.7 अपर्चर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस कैमरे से अच्छा है जिसका अपर्चर 2.0 है या फिर 2.4 है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा लाइट एंटर करेगी तो उसकी जो फोटो आएगी ज़्यादा अच्छी आएगी, ज़्यादा निखर के आएगी। तो ये होता है अपर्चर। तो यहाँ पे सिर्फ अपर्चर ही नहीं, सेंसर भी होते हैं और कैमरे में, वो भी रोल निभाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ आपको अपर्चर समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे कंपनीज क्या करती है, हमारी इसी चीज़ का फ़ायदा लेती है कि हम लोग मेगापिक्सल को देख के फ़ोन को खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना होगा अपर्चर, जब भी आप नया फ़ोन लेने जाएँ तो उसका अपर्चर जरूर कैमरे का चेक करें, क्योंकि अपर्चर यहाँ पर बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।